गेट ऑफ एनिमल्स अर्थवॉर्म। एक्टिविटी 5, ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन, जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लोटिंग और फिल्टर पेपर। आपको क्या करना है, गार्डन में से अर्थवॉर्म को जेंटली प्यार से उठा के किसी ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पर रख देना है और उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। ओके, देन प्लेस इट ऑन स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सर्फेस। अभी तक तो आपने फिल्टर पेपर पर रखा था, अब उसको स्मूथ ग्लास पर रखो, स्लिपरी सर्फेस पर रखो, ऑब्जर्व द मूवमेंट। इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर, कुछ डिफरेंस लगा आपको, दिखा क्या? इन विच ऑफ अबव टू सर्फेसिस डू यू फाइंड दैट द अर्थवॉर्म इज एबल टू मूव ईजिली। एक तो आपका रफ सर्फेस था जैसे कि फिल्टर पेपर और ब्लोटिंग शीट, और दूसरा है आपका स्मूथ ग्लास सर्फेस। तो इसमें देखो, ऑब्जर्व करो कि अर्थवॉर्म किस में ईजिली मूव कर रहा था। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग जॉइंट एंड टू एंड। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये अर्थवॉर्म दिख रहा है मूव करते हुए, है ना, ऐसा ही होता है अर्थवॉर्म। अब ये जो अर्थवॉर्म है इसकी बॉडी में बहुत सारे रिंग है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है इसकी बॉडी में, इसलिए हम इसे कह रहे हैं मैनी रिंग जॉइंट एंड टू एंड। एंड अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स, अर्थवॉर्म के पास कोई बोन नहीं है। इट हैज़ मसल्स विद विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी, जिसकी वजह से जो हम अर्थवॉर्म है अपनी बॉडी को क्या करता है, एक्सटेंड करता है, आगे मूवमेंट करने के लिए अपनी बॉडी को एक्सटेंड करेगा। और क्या करता है फिर, उसकी बॉडी एक्सटेंड करेगी द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, कीपिंग द रेयर पोर्शन फिक्स टू द क्राउन, द रेयर पोर्शन फिक्स टू द क्राउन, देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीज द रेयर एंड। क्या कहते हैं, ये जो उसकी बॉडी है वो मूव करती है, तो अर्थवॉर्म क्या करता है, एक थोड़े जो उसका फ्रंट पार्ट होता है बॉडी का, थोड़े से पार्ट को एक्सटेंड करता है और उसको फिर जो पीछे वाला पोर्शन होता है वो ग्राउंड पे फिक्स रखता है। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड, अब पहले तो पीछे वाला फिक्स था, देन अब आगे वाले पार्ट को फिक्स करके रखेगा, ठीक है, एंड रिलीज द रेयर एंड। इट देन शॉर्टन द बॉडी एंड पुल्स द रेयर एंड फॉरवर्ड, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसकी बॉडी शॉर्टेंड हो गई। और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मसल्स क्या करते हैं, पुल करते हैं, पुश नहीं करते, मसल्स पुल करते हैं। दिस मेक इट मूव फॉरवर्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस, जिसकी वजह से वो मसल्स की वजह से फॉरवर्ड मूवमेंट करता है, थोड़ा सा करता है बट करता है। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, अर्थवॉर्म मूव करेगा। द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, इट बॉडी सिक्रीट अ स्लाइमी सब्सटेंस। अर्थवॉर्म की बॉडी में एक स्लाइमी सब्सटेंस रिलीज होता है, जिस क्या करता है, वो हेल्प करता है मूवमेंट में। हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ग्राउंड, फिर अपनी बॉडी को ग्राउंड के साथ फिक्स कैसे कर लेता है, वो पकड़ के कैसे रखता है ग्राउंड को। अंदर इट बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं प्रोजेक्टिंग आउट। ये स्लाइमी तो है इसकी बॉडी, बट उसकी बॉडी पे क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे से ब्रिसल्स होते हैं। द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विद द मसल्स, और ये ब्रिसल्स मसल्स के साथ कनेक्ट होते हैं। द ब्रिसल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, द अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट इट्स वे थ्रू द सॉइल। क्या करता है अर्थवॉर्म ने क्या किया, रास्ते भर में वो क्या करता है, मिट्टी खाते हुए जाता है। इट्स बॉडी then throw away the undigested part of the material, अभी खाया है जो भी undigested part है वो उसे release out भी करता है। this activity of earthworm make the soil more useful for the plant, जिसकी वजह से जो soil है बहुत ही useful हो जाती है ना। अगर आपको पता हो इसीलिए earthworm composition भी किया जाता है ना, जो कि manure बनाने में काम आता है, और इसीलिए अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं। पता है आपको, फार्मर्स फ्रेंड, अर्थवॉर्म को फार्मर फ्रेंड्स कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा स्नेल। स्नेल तो देखा होगा गार्डन में, देखना एक्टिविटी 6 है हमारी। ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और अ फील्ड, हैव यू सीन द ग्राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरी ऑन इट्स बैक। देखा होगा ना स्नेल की बैक पे कुछ ही राउंड राउंड सा दिखता है, ऐसा कुछ बना हुआ है ना, ऐसा ही स्नेल की बॉडी पे। दिस इज कॉल्ड द शेल एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द सेल। अभी क्या है, ये स्नेल की
बैक पे है और ये शेल है और ये आउटर स्केलेटन है शेल का, बट इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ बोन. लेकिन वो बोन से नहीं बना, स्केलेटन तो है बट बोन से नहीं बना. द शेल इज़ अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू हेल्प. क्लियरली मैंशन कर दिया है कि जो स्नेल है वो इस शेल की वजह से कोई मूवमेंट नहीं करता है. सिंगल यूनिट है, ठीक है, डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग. बट क्या है, उसकी बॉडी मूव करेगी तो ये जो शेल है वो उसके साथ वो भी मूव करेगा, ड्रैग्ड करेगा. प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट. आराम से उसे उठा के ग्लास प्लेट पर रख दो. वैन इट स्टार्ट मूविंग केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलॉन्ग विद द स्नेल ओवर योर हेड. क्या करते हैं, जब वो मूव करेगा, वैन इट स्टार्ट मूविंग केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलॉन्ग द स्नेल ओवर द हेड. ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम दी बिन. और नीचे से क्या करना, ग्लास पर रखा है ना आपने, उसको उठा लेना और जब ग्लास तो ट्रांसपेरेंट होगी उसको नीचे से मूव करते हुए देखना वो कैसे मूव करेगा. अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग. क्या बोला इसने, एक थिक स्ट्रक्चर है हेड के पास, स्नेल मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल. द थिक स्ट्रक्चर इज इट फुट. जो एक थिक सा स्ट्रक्चर नज़र आएगा ना वो उसका एक फुट है, मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स. आप ग्लास के नीचे से देख रहे हो ना तो एक थिक सा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम बोल रहे हैं वो किससे बना है, स्ट्रॉन्ग मसल से, वो उसका फुट है. नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट, द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन. उसको आराम से रखना ग्लास प्लेट को, एक वेवी मोशन नज़र आएगा, कहते ना वेव्स की तरह. इज द मूवमेंट ऑफ स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू अर्थवर्म. अब बताओ भाई, अर्थवर्म जो है वो ज़्यादा स्लो होगा या स्नेल होगा, तो आप चेक करके बताना कौन ज़्यादा स्लो और कौन फास्ट होगा. नेक्स्ट है हमारा कॉकरोच. सबके घर में कॉकरोच दिख ही जाते होंगे कभी ना कभी, है ना. तो एक्टिविटी 7 के थ्रू हम समझेंगे, ऑब्जर्व अ कॉकरोच, जैसा कि आपने देखा भी है डायग्राम में भी है, ठीक है. कॉकरोच वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर. क्या करता है भाई, फ्लाई भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, क्लाइंब भी कर सकते हैं. दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग. कॉकरोच के पास कितने लेग हैं, 3 पेयर्स. एक चीज़ और, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं ना, मोस्टली इंसेक्ट्स के, सभी इंसेक्ट्स के 6 लेग्स होते हैं, ठीक है, यानी कि 3 पेयर्स ऑफ लेग. दीज हेल्प इन वॉकिंग. लेग है तो भाई हेल्प में वॉकिंग करेंगे. द बॉडी इज कवर्ड विद द हार्ड आउटर स्केलेटन. बॉडी में जो है उसकी कवर्ड है हार्ड स्केलेटन से. द आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स joint together and that is permits movement. जो इसकी outer skeleton है ना, बहुत सारे plates की joining है और क्या करते हैं वो उसको allow करते हैं movement में. There are two pairs of wings हैं attached to the body behind head. The cockroaches have distinct muscles, okay, near the leg move and leg from the walking. उसके leg के पास different muscles हैं. The body muscles move wings when the cockroach flies. Body muscles का move करेंगे जब cockroach fly करेगा. Simple है, cockroach कैसे move करे भाई, उसके wings हैं, उसके पास 6-3 pairs of leg भी हैं और उसकी movement पे कौन help कर रहा है, उसके wings भी help कर रहे हैं, उसके leg भी help कर रहे हैं. Simple. Next है हमारा birds. Birds तो देखे होंगे ना, चिड़िया, तोता, मैना, कितने सारे birds होते हैं. तो birds fly in the air and walk on the ground. दोनों ही होगा, वॉक करते भी देखा होगा, फ्लाई करते हुए भी देखा होगा. सम वर्ड्स लाइक डक एंड स्वान ऑल्सो स्विम इन द वाटर. और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्विम भी करते हैं. द बर्ड कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सुटेड फॉर फ्लाइंग. बर्ड्स क्यों फ्लाई करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में वही फ्लाइंग करने के लिए विंग्स गिवन है. द बोन्स आर होलो. बोन्स क्या है, होलो. क्यों, क्योंकि होलो बोन्स उनकी बॉडी को हल्का रखती हैं एंड लाइट रखती हैं. द बोन्स ऑफ द हाइंड लिम्ब आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग. जो पीछे वाले विंग्स होते हैं ना, जिसे हम हाइंड विंग कह रहे हैं, वो क्या करते हैं, बेसिकली वॉकिंग के लिए होते हैं एंड पर्चिंग के लिए होते हैं, ठीक है. ये देखो स्केलेटन दिखा रखा है बोन का. द बोनी पार्ट ऑफ द फोर लिम, आगे वाले लिम्स जो है, आगे वाला लेग है, आर मॉडिफाई एज अ विंग. अब हमें तो उनके दो ही लेग दिखते हैं ना, तो उस दो लेग से हमें लगता है कि भाई वो मूव कर सकता है एंड पर्चिंग कर सकता है. बट जो हम विंग्स होते हैं उन्हें विंग्स ही कहते हैं, बट एक्चुअली वो फोर लिम्स होते हैं, उनके मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में. द शोल्डर बोन आर स्ट्रॉन्ग. जहाँ से इनके विंग्स से कनेक्टेड होंगे वो क्या हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं. द शोल्डर बोन आर स्ट्रॉन्ग, द
the breast bone are modified to hold the muscle to flight which are used to move wings up and down. और ये जो आगे ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये क्या होता है, ब्रेस्ट बोन होता है जो मॉडिफाई हो जाता है टू होल्ड द मसल्स ऑफ फ्लाइट्स विच आर यूज टू मूव दी विंग्स. तो हमारे बर्ड्स कैसे मूव कर रहे हैं, थ्रू दी विंग्स. नेक्स्ट है फिशेस और फिश, और इसको हम समझेंगे एक्टिविटी 8 से. मेक अ पेपर बोट, बनाते ही होगे ना, कई बार बनाया होगा. पुट इन द वाटर एंड पुश इट विद वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड, है ना, वो आगे एक पॉइंटेड पार्ट सा नजर आता है ना. डिड इट गो इन टू द वॉटर ईजिली, नाउ होल्ड द बोट साइड वाइज एंड पुश इट इन टू द वॉटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड. जो पॉइंटेड एरिया था आप पहले तो वहाँ से पकड़ के उसे पुश कर रहे थे, ठीक है, बट अब कह रहा है कि आप उसको वहाँ से छोड़ दो, जो ब्रॉड एरिया है ना वहाँ से पुश करके देखो, जो चौड़ा सा पार्ट है. आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर वेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड, तो जहाँ ब्रॉड वाले एरिया से आपने पुश किया तो क्या वो आपकी बोट है वो ईजिली स्विम कर रही है, शायद नहीं करेगी, है ना, करके देखना. जैसे ये दिखाया हुआ है ना, पहले तो पॉइंटेड वाला पार्ट पकड़ा था और यहाँ पे ब्रॉड वाला पार्ट दिखा रहे हैं, ऐसा करके देखना आप. हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ द बोट इज समथिंग समवॉट लाइक अ फिश, लग रहा है आपको ये पॉइंटेड सा लग रहा है इनका, ये फिश का ये जो बॉडी है वो ब्रॉड नहीं है, जहाँ से मूव करी वो पॉइंटेड है ना. कुछ कुछ द हेड एंड द टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी, है ना, मिडिल में तो हमारी फिश क्या है, ब्रॉड है, बट उसका जो टेल यानी हेड वाला पार्ट है वो पॉइंटेड है, तो इसका कुछ रोल है ना. द हेड एंड द टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी, द बॉडी टेपर्स एट द बोथ एंड, और इसकी बॉडी का टेपर है बोथ हैंड पे, द बॉडी शेप इज कॉल्ड द स्ट्रीम लाइन, और ये जो बॉडी शेप है फिश की वो क्या है, स्ट्रीम लाइन बॉडी है फिश की, क्या है, स्ट्रीम लाइन. द शेप सच एज सच दैट द वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन द वाटर, और ये जो शेप है ये क्या करती है, फिश को आराम से मूव करने में हेल्प करती है, जो स्ट्रीम लाइन बॉडी है फिश की. द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद द स्ट्रॉन्ग मसल्स ड्यूरिंग द स्विमिंग, द मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग टूवर्ड द ऑपोजिट साइड, ठीक है, क्या करते हैं ये जो स्विमिंग करते हैं तो मसल्स क्या होते हैं, फ्रंट पार्ट पे क्या करते हैं उसको कर्व कर देते हैं एंड वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग टूवर्ड द ऑपोजिट साइड. द फिश फॉर्म अ कर्व एज शोन इन फिगर, जैसे कि आप इसमें देखो कैसे मूव कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे. दिस इज हेल्प बाय द फिन ऑफ द टेल, यहाँ पे देखो इनकी फिन्स भी होती हैं ना, ये फिन्स टेल भी है, ये सब क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. द फिश फॉर्म अ कर्व एज शोन इन द फिगर, देन क्विकली द बॉडी एंड द टेल कर्व टू द अदर साइड, दिस मेक अ जर्क, एक करंट टाइप कुछ आते हैं एंड पुशेज द बॉडी फॉरवर्ड. अ सीरीज ऑफ सच जर्क मेक द फिश फिश स्विम अहेड, दिस इज हेल्प बाय द फिन ऑफ द टेल, फिन्स ऑफ द टेल. अब ये जो मूवमेंट है इनकी बॉडी मूव कर रही है जर्क के साथ, जब जर्क लगता है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपनी बॉडी को पुश करते हैं, तो ये हमारे ऐसे ही बॉडी मूव करती है फिश की. फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी, उसके पास टेल पे फिन्स तो हैं ही बट अदर पार्ट और भी बॉडी है उस पर भी फिन्स है जो उसकी बॉडी को क्या करती है, बैलेंस करती है वाइल स्विमिंग. डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स वेयर फिन लाइक फ्लिपर ऑन देयर फीट टू हेल्प देम मूव इजली इन अ वाटर, अगर आपने डाइवर्स को देखा होगा जो सूट पहनते हैं तो उनके फीट पे भी फ्लिपर्स लगे होते हैं, तो क्या करते हैं उनको वो स्विमिंग में हेल्प ही तो करते हैं. देन हाउ डू स्नेक मूव्स, अभी हम स्नेक्स की बात करें, हैव यू सीन अ स्नेक्स स्लिथर्स, अगर आपने स्नेक्स देखे हैं तो आपने स्लिथर्स देखे होंगे मूव करते हुए. डज इट मूव स्ट्रेट, नो स्नेक हम स्ट्रेट मूवमेंट नहीं करते. हैव स्नेक हैव अ लॉन्ग बैक बोन, लॉन्ग बैक बोन हो सकता है, यस. दे हैव मैनी थिन मसल्स, दे हैव आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन थ्रू दे आर फार फ्रॉम वन अनदर, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं चाहे वो कितनी ही दूर हो. मसल्स ऑल्सो इंटर कनेक्टेड दी बैकबोन रिब्स एंड स्किन. स्नेक्स बॉडी कर्व इन टू मैनी लूप्स, ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव इट
forward push by pressing against the ground. Since its long body make a many loop and each loop give it the push, the snake move forward very fast and not in a straight line. क्या करते हैं, लूप क्रिएट कर लेते हैं जिसकी वजह से इनकी बॉडी में जो मसल्स हैं उसको पुश करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो स्ट्रेट लाइन में ना जाके एक लूप के फॉर्म में मूवमेंट करते हैं. वी हैव लर्न अबाउट द यूजेज ऑफ बोन्स एंड मसल फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल. पहेली एंड बूजो हैव मैनी क्वेश्चन इन देयर शेक्स अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट इन एनिमल्स. सो मस्ट यू हैविंग मैनी unanswered question buzzing in your mind. The ancient Greek philosopher Aristotle in the book of Gate of Animals asked himself these questions. Why do different animals have the body part that they do have, and how do these body parts help animals to move way they do? बहुत सारे एनिमल्स हैं, इनके पास बॉडी पार्ट्स हैं, तो ये बॉडी पार्ट्स उनकी मूवमेंट में कैसे हेल्प करते हैं. व्हाट आर द सिमिलैरिटी एंड द डिफरेंस इन दीज बॉडी पार्ट्स डिफरेंट एनिमल, और क्या क्या सिमिलैरिटी है उनके बॉडी पार्ट में एक दूसरे एनिमल के और कैसे डिफरेंट है. हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स आर नीडिड बाई डिफरेंट एनिमल फॉर मूविंग वन प्लेस टू अनदर, और एक एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह जाने पे मूव करने के लिए कितने बॉडी पार्ट्स की जरूरत पड़ती है. Why two legs for humans and four for cow and buffalo? Humans के दो क्यों हैं, animals and cows के so many or two or four क्यों हैं. Many animals seem to be having an even number of legs. Why? Why is the bending of our legs different from the arms? क्यों भाई बताओ. So many questions and perhaps we have looked for some answer through the activity in this chapter and we need to look for many more answers. इतने सारे questions तो हैं, कुछ के answer हमें इस chapter के through मिल भी गए. Yoga for better health. Obvious है, yoga में हमारी body movement ही है, इसलिए yoga का एक छोटा सा आपका एक part दिया हुआ है. ये हमारी good health के लिए है और सभी को yoga करना चाहिए. तो yoga is an invaluable gift of the ancient इंडियन ट्रेडिशन. बहुत पुराने टाइम से योगा करते हैं भाई. द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर 21 जून एज अ इंटरनेशनल योगा डे. आपको पता होना चाहिए योगा कीप अ पर्सन हेल्दी, इट हेल्प इन कीपिंग द बैकबोन इरेक्ट. बैकबोन को क्या करता है, सीधा रखने, अनेबलिंग यू टू सिट स्ट्रेट, सीधा बैठने में हेल्प करेगा, नॉट स्लच. मैनी पोस्चर इन योगा रिक्वायर यू टू लिफ्ट योर ऑन वेट विच हेल्प यू मेकिंग द बोन स्ट्रॉन्ग. हेल्प वर्ड ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, देखा होगा ना घुटनों में पेन हो जाता है बूढ़े होते हैं जो लोग. इट ऑल्सो हेल्प इन द रिलीविंग जॉइंट पेन विच इज़ मोस्टली ऑब्जर्व इन एल्डरली पीपल. इट ट्यून ऑल द मसल्स इन द बॉडी एंड कीप दैम एक्टिव. इट कीप द हर्ट हेल्दी, मेक्स इट वर्क मोर एफिशियंटली. सर्टेन योगा पोस्चर शुड बी परफॉर्म अंडर द सुपरविजन और ट्रेंड पर्सन. भाई याद रखना, योगा करना है तो बहुत अच्छी बात, बट कुछ योगा पोस्चर ऐसे होते हैं जो आपको अकेले में नहीं करने चाहिए या किसी ट्रेंड पर्सन के सामने ही करना चाहिए. ओके, और ये आपके कीवर्ड्स हैं, ये सारी ही चीज़ें आपने पढ़ी हैं. बैकबोन, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ब्रिशल्स, कार्टिलेज, कैविटी, फिक्स जॉइंट, गेट ऑफ एनिमल्स, हिंज जॉइंट, मसल, आउटर स्केलेटन. सो मैनी यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, ये आपने पढ़ा होगा. देन यहाँ पे समरी है, एक बार आप इसको रीड कर लेना. सो आई होप यू लाइक माई video. So please subscribe, share and like. Thank you.